नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की बड़ी खबरों के साथ यह वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 शेष रहे विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके अलावा राजस्व मंडल अजमेर चतुर श्रेणी कर्मचारियों की जो है अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हो चुकी है। प्रधानाचार्य DPC 22-23 हेतु लिस्ट जारी हो चुकी है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो आगामी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होना है उससे संबंधित जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है उसके लेकर को जो है आदेश जारी हुआ है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल पर विभागीय आदेश के अलावा रिजल्ट्स, आंसर क्विज, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा और विभागीय योजनाओं की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट देख सकते हैं, हालांकि 21 सितंबर का आदेश है, इसमें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक 2018 विभिन्न विषयों हेतु जो है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय जोधपुर उदयपुर हेतु, यहाँ पर देख सकते हैं विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती माध्यमिक शिक्षा परिषद 2018 विभिन्न विषय, जिसमें कि नॉन TSP के मुख्य सूची से चयनित एवं अभिस्थापित अभ्यर्थियों को संभाग आवंटन और नियुक्ति के संबंध में, यानी उनका संभाग आवंटन और नियुक्ति के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है वह आपको पूरी अपडेट इस वीडियो के तहत दी जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट भी बताई जाएगी। विषयांतर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018 विभिन्न विषय के मुख्य सूची से चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों को प्रासंगिक पत्र दिनांक 13 अगस्त 2020 द्वारा संभाग आवंटन किया जाकर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन हेतु आपको सुपुर्द किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 जिसमें कि सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, नॉन TSP भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों तथा शासन से प्राप्त पत्र के क्रम में संपूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 10 मार्च 2022 और पुनरावलोकन बैठक जो कि दिनांक 11 मई 2022 में लिए गए निर्णय की पालना स्वरूप कतिपय अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक वर्ग में विचार करते हुए परिणाम जारी कर स्पष्ट पात्र अभ्यर्थियों की अभिस्थापना में आवेदन पत्र नियुक्ति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। तो ये देख सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक एंड नॉन TSP एरिया विभिन्न सब्जेक्ट से जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रोक लगा रखी थी या किसी भी प्रकार से इनकी जो याचिका दर्ज थी उसके तहत इनका संभाग आवंटन तो लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ पर दिया है विवरणांकित अभ्यर्थियों का संभाग आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 13 अगस्त 2020 और समय समय पर जारी दिशा निर्देश और शर्तों के अध्ययन काउंसलिंग दिनांक 27 सितंबर 2023 को आयोजित कर, जानते हैं इनकी काउंसलिंग 27 सितंबर 2023 को होनी है, उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी किया जाए तथा कार्यगण की अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 18 अक्टूबर 2023 इनकी लास्ट डेट रही है, 27 सितंबर 2023 को इनकी काउंसलिंग हो गई। इसके अलावा नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवा कर प्रति ईमेल ID यहाँ पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। देख सकते हैं यहाँ पर उक्त अभ्यर्थी के आवेदन में पत्र लिया आपके कार्यालय के संस्थापन लिपि को निदेशालय के मुख्य प्रशासनिक भवन कमरा नंबर 11 में काउंसलिंग तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से भिजवाने की व्यवस्था करें। तो अब आपको ले चलते हैं इनके लिस्ट की जानकारी के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक परीक्षा 2018 विभिन्न विषय मुख्य सूची में गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP एरिया हेतु अंतिम रूप से चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन सूची विभिन्न सब्जेक्ट का दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, मेरिट नंबर भी दे रखे हैं इनके, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स और फादर्स नेम, DOB सेलेक्शन कैटेगरी एज कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन और अलोटेड रेंज, ये पूरी लिस्ट आप वीडियो को स्क्रीन में दिखाई जा रही है देख सकते हैं। RPSC सेकंड ईयर भर्ती 2018 भूतपूर्व सैनिक जो नॉन TSP एरिया से थे उनकी जो है संभाग आवंटन है तो ये लिस्ट जारी हो चुकी है।
इसमें टोटल देख सकते हैं यहाँ पर 35 कैंडिडेट हैं जो कि विभिन्न विषयों के हैं। देख सकते हैं यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिंदी, सभी विषयों के इसमें अभ्यर्थी शामिल हैं। ले चलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ वीडियो में, आगे बने रहें साथियों। यहाँ पर यह भी 1 सितंबर का आदेश है, राजस्थान सरकार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की ओर से मंडल की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 3799 दिनांक 3 जुलाई 2023 द्वारा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर और मंडल के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत स्थायी अथवा अस्थायी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022 की संशोधित अंतरिम और दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति की अंतरिम यानी प्रोविजनल वरिष्ठता सूची मंडल की वेबसाइट पर जारी कर मैं प्रत्यार्थ अभिलेख 15 दिवस में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। उसके बाद में राजस्व मंडल अजमेर की ओर से जो है 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई है, तो उसकी लिस्ट भी आपको वीडियो के आगे बताई जा रही है। देख सकते हैं वीडियो में उनकी अंतरिम वरिष्ठता सूची, यहाँ से देख सकते हैं राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की ओर से मंडल एवं मंडल के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत स्थायी अथवा अस्थायी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति की अंतिम वरिष्ठता सूची। यह नाम कार्मिक में पदस्थापन स्थान से दिया हुआ है, जन्मतिथि और ये जाति, शैक्षणिक योग्यता, राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि इनकी, मंडल में कार्यग्रहण की तिथि और स्थायी या अस्थायी वो यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है। देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट इनकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो अंतिम वरिष्ठता सूची है राजस्व मंडल अजमेर की ओर से 1 अप्रैल 2023 को मानते हुए, ये देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट उन अभ्यर्थियों से संबंधित। और भी आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें इस वीडियो के तहत बताई जाएगी। यहाँ पर ये अपडेट देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से कार्यालय आदेश में दिया हुआ है, राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीन सेवा नियम 2021 के नियम 31 ख के प्रावधान अंतर्गत प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक एवं समकक्ष पदों पर वर्ष 22-23 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा माध्यमिक संस्था DPC प्रभाग प्रधानाचार्य 22-23 दिनांक 31 मार्च 2023 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित किया गया। चयनित कार्मिक को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक में कार्यालय आदेश दिनांक 26 मई 2023 को जारी किए जाकर दिनांक 24 जून 2023 तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में स्वतः पदोन्नति परित्याग माने जाने तो निर्देशित किया गया था। अब नीचे इनसे संबंधित लिस्ट जो है आपको बताई जाएगी, इन प्रधानाचार्यों से संबंधित DPC से संबंधित जो है अपडेट है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से कार्यालय आदेश में शिविरा माध्य संस्था प्रधानाचार्य DPC 22-23, ये पूरी लिस्ट है इन कार्मिकों से संबंधित। यहाँ पर देख सकते हैं शिरोनंबर नेम है अलका शर्मा जी, DOB इनकी दे रखी है, जेंडर है, कैटेगरी और एम्प्लॉय ID इनकी, प्रेजेंट में पोस्टिंग प्लेस कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू टोंक और डिस्ट्रिक्ट इनका टोंक है यहाँ पर इसमें, और सीनियरिटी नंबर भी दिए हुए हैं, सीनियरिटी ईयर दी हुई है और सिलेक्शन डेट दी हुई है, ये देख सकते हैं प्रधानाचार्य DPC 22-23 हेतु ये पूरी लिस्ट आपको वीडियो की स्क्रीन में दिखाई जा रही है। देख सकते हैं प्रधानाचार्य DPC 22-23 की लिस्ट आपको इस समय वीडियो की स्क्रीन में दिखाई जा रही है। देख सकते हैं आप बड़ी अपडेट इन कार्मिकों से संबंधित। साथियों और भी बड़ी खबरें आपको वीडियो के तहत बताई जाएगी, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार के आदेश और रिजल्ट्स, आंसर की, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार, इन सभी के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसमें 37 प्रधानाचार्यों की यह लिस्ट दी हुई है। अब आगे अगली अपडेट यहाँ पर वही 22 सितंबर यानी कल का आदेश है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान सरकार, इसमें प्राचार्य समस्त राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय राजस्थान, इसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के क्रम में, यानी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो आगामी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होना है उससे संबंधित ये अपडेट है, उन परीक्षाओं के संबंधित कैलेंडर जो जारी हुआ उसकी भी अपडेट आपको आगे दी जाएगी वीडियो में। इसमें दिया है विषयांतर्गत संदर्भ पत्र की छाया की प्रति संलग्न कर लेख है कि बोर्ड द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का संबोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।
इस क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि उच्च परीक्षा हुई तो आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने पर आप भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने। तो ये तो कॉलेज संबंधित अपडेट है इनकी, किस प्रकार से उनको व्यवस्था करनी है इन एग्जाम के आयोजन से संबंधित। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा तिथियों की सूचना बाबत है। देख सकते हैं बोर्ड द्वारा आगामी माह में निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन की बोर्ड की ओर से जो आगामी परीक्षाएं होगी, सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जो कि 21 जनवरी 2024 को होने वाली है, संविदा नर्स यानी GNM सीधी भर्ती परीक्षा 3 फरवरी 2024, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भर्ती 3 फरवरी 2024, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 4 फरवरी 2024, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 11 फरवरी 2024, संगणक सीधी भर्ती परीक्षा सबका देख सकते हैं, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर उपकारापाल छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड पर्यवेक्षक प्लाटून कमांडर सबकी अपडेट दी हुई है। देख सकते हैं परीक्षा दिनांक इधर वाले कॉलम में, और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती पटवारी जिलेदार सिंचाई सीधी भर्ती और कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा ये सभी दी हुई है। तो ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। आशा करते हैं साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।